नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि मिश्रा। मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में मैगी बनाऊंगी जो चटपटा और मसालेदार है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैकेट मैगी लिया है और दो बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर मैगी मसाला लिया है, दो चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती है, दो मग पानी लिया है मैंने जिसमें मैगी को उबालूंगी, एक लाल बारीक कटा हुआ टमाटर है, आधी कटोरी हरी मटर है, आधा कटा हुआ गाजर है, एक बड़ा साइज का प्याज है बारीक कटा हुआ, 3 से 4 चम्मच पनीर है कि उसमें कटे हुए, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे शिमला मिर्च भी काट के रखे हैं और एक हरी मिर्च भी है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मैगी उबालने के लिए रखूँगी, चलिए मैगी बनाने की तैयारी करते हैं। सर, एक मैंने पैन रखा है, इसमें मैंने 2 मग पानी रखा है, पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें हम डालेंगे मैगी। मैगी को 2 से 3 उबाल आने के लिए हम लो फ्लेम पे उबालेंगे, इसको ज़्यादा नहीं उबालना है क्योंकि इसको सब्जी में भी डालना है, तो इसलिए इसे 2 से 3 ही उबाल आने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। इधर मैंने दूसरे चूल्हे पर एक पैन रखा है, इसमें डालेंगे मक्खन 1 चम्मच और सारी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। सबसे पहले मटर डालेंगे, उसके बाद डालेंगे गाजर और इसको ज़्यादा नहीं हमें पकाना है, बस सॉफ्ट होने तक इसको हम भूनेंगे ढककर। अब डालेंगे इसमें प्याज और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम ढक देंगे और फ्लेम हमारा लो हो जाएगा। आप देखिए मैगी में उबाल आ चुका है, आप गैस ऑफ कर देंगे, ज़्यादा नहीं उबालना नहीं तो हमारी मैगी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। फिर हमारी सब्जी भी अच्छे से पक रही है, अब इसमें हम डालेंगे नमक, अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से क्योंकि मसाले में भी नमक होता है, और इसको हम फिर 5 मिनट के लिए ढक जाएं, ढक देंगे ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से गल जाएं। अब सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो गई हैं तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर और पनीर और इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि हमारा जो पनीर है अच्छे से भुन जाए। देखते हैं सारी सब्जियां अच्छे से भून चुकी है, पनीर भी अच्छे से भून गया है। ये है मैगी, इसको गर्म पानी से निकाल कर छन्नी में 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका सारा पानी बाहर निकल जाए और ये अच्छे से सूख जाए ताकि एक दूसरे में ना चिपके, इससे हमारी मैगी अच्छी बनेगी, खिली खिली बनेगी। तो चलिए अब इसको हम सब्जियों में डाल देते हैं। और मसाले को भी डाल देंगे साथ के। हमारी मैगी चेक कर लेते हैं, सब्जियों में मैगी को डालने के 10 मिनट तक हम इसको ढककर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए सब्जियों में। हमारी मैगी रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे और इसमें अब डालेंगे धनिया पत्ती और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारी मैगी रेडी है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो चलिए मसाला मैगी रेडी है, आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइए मसाला मैगी। अगर ये रेसिपी मेरी मैगी की अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।